मेरे सारे कोवर्कर्स ने मुझे मैसेजेस लिख के भेजे थे, और ये मतलब इस फोटो में फ्रेम में डाल के दी थी, गिफ्ट किया था मुझे स्वेटर। और एक मेरी और चीज़ दिखाती हूँ, ये मुझे भी नज़र आ रही है, ये मेरे भाई ने मुझे दिया था। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दफ़ा मैंने आपको बोला तो बताया था कि मैं अपने कमरे को आपको टूर कराऊंगी, तो मैंने सोचा कि आज मैंने चूंकि कमरे की 2 हफ्ते बाद अच्छी सी सफाई कर ली है, मेरे पास टाइम ही नहीं मुझे मिलता कि मैं अपने कमरे की सफाई कर सकूँ, तो मैंने साफ़ कर लिया कमरा, तो मैंने सोचा आज आपको अपने कमरे का टूर करा देती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा कमरा अच्छा प्यारा सा लगेगा। छोटा सा कमरा है, इतना बड़ा नहीं है जैसे बड़े बड़े लोगों के कमरे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ आप खुश वहाँ सब कुछ खुश। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, और छोटी सी मतलब एक जगह है, वहाँ पे आराम से रह रही हूँ सुकून से मज़े में। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है? तो आपको पूरा कमरे का टूर दिखाती हूँ कि कैसा मेरा कमरा है, मेरे कमरे में किचन कैसा है, कैसे मैं कुकिंग करती हूँ, हाउ आई लिव अराउंड। ओके, तो लेट्स गो एंड सी। कमरे का टूर। सो ये मेरी भतीजी ने मुझे रमजान पे बना के दिया था, ये उसका आर्ट वर्क है, और मैं हमेशा बच्चों का आर्ट वर्क, मेरे फैमिली में जो भी मुझे देता है, मेरे बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, मैं उनको बड़े एहतमाम से सजाती हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे लगाए, मैं भी आपको और भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरी एंट्रेंस, एंट्रेंस के बिल्कुल साथ मेरे पास छोटा सा मेरा मिनी किचन है, मैं आपको मिनी किचन दिखाती हूँ। मेरी ब्रेड ख़त्म हुई हुई है, ये मेरा माइक्रोवेव है, इसके ऊपर ये मेरा चीनी दान, ये मेरी एक दोस्त ताजिकिस्तान से थी, उसने मुझे गिफ्ट दिया है ये चीनी दान, ये एक एंटीक पीस है और मुझे बहुत पसंद है। ये साथ चायदानी, चॉकलेट्स, हु इज़ इंटरेस्टेड टू ईट चॉकलेट्स। ये रहा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के साथ ही मैंने माइक्रोवेव बेसिकली रखा हुआ है फ्रिज के ऊपर, ये मेरा छोटा सा मिनी फ्रिज है, और ये इस पर आप देख रहे हैं एक मैग्नेट लगा हुआ है, ये मेरी दोस्त ने फिलिपीन से मुझे ला के दिया था, ये फिलिपींस का है। अभी मैं और भी सोच रही जमा करूँ ये मैग्नेट्स। तो ये था मेरा माइक्रोवेव, और उसके साथ ये फ्रिज, साथ ये मेरी कॉफ़ी मशीन है, ये मेरी कॉफ़ी, सुबह मैं इसमें कॉफ़ी बना के पीती हूँ, और ये मेरा राइस कुकर, यहाँ पर मैं कुकिंग करती हूँ, और इसके नीचे मेरा ऑयल और इलेक्ट्रिक कैटल, पानी की इलेक्ट्रिक कैटल है ये, ऑयल, और इसमें सब्ज़ी, आलू प्याज टमाटर। और एक मिर्च और चीज़ दिखाती हूँ, ये मुझे भी नज़र आ रही है, ये मेरे भाई ने मुझे दिया था, ये मैं चटनीज़ की बना के मोरिंगा, ये आप लोग भी खाया करें, बहुत अच्छे होते हैं मोरिंगा के पत्ते, ऑर्गेनिक है ये, मैं इसकी चटनी बना के खाती हूँ। और साथ में ये पड़ा हुआ है मेरा लंच बैग जो मैं अपने ऑफिस लेके जाती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा मिनी किचन, यहाँ मैं करती हूँ कुकिंग। डस्टबिन, दिस इज माय लॉन्ड्री बैग, यहाँ मैं अपनी लॉन्ड्री डालती हूँ सारी। ये मेरा मिरर है, और ये लाइट रिंग लाइट, ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये नीचे कॉकरोच स्प्रे रखा हुआ है, कमरे में बहुत कॉकरोचेज हो रहे हैं, आए दिन कॉकरोचेज आते रहते हैं, क्योंकि बाहर साथ में किचन है तो अक्सर लोग सफाई करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते। और इसके साथ ये वाईफाई, ये वॉशरूम है, वॉशरूम मेरा धक्का लगाना पड़ेगा, ये वॉशरूम, और इसके साथ ही ये मेरा ड्रेसिंग टेबल, आप देख रहे हैं 16 सिंघार, ये बड़ा अच्छा मेरा ड्रेसिंग टेबल है, और यहाँ मैं अपना सारा मेरे ब्रशेस, मेरे इंपॉर्टेंट थिंग्स, मेरी आई लैशेस और ये सारा सामान मेरा मेकअप का, मेरे परफ्यूम्स, मेरी ज्वेलरी, और मेरी एंटी एलर्जी टैबलेट भी, कि मैं एलर्जिक पेशेंट हूँ तो मैं महीने मुझे एक दफ़ा भी एंटी एलर्जी खानी पड़ती है। बाय द वे ये नेकलेस जो, ओह माय गॉड, फिर फंस गया, इसको अभी ठीक करती हूँ, ये टूट गया है और गिर गया, इसको अभी सेट करती हूँ। और इसके साथ ही ये प्यारा सा छोटा सा सोफ़ा, और ये है कारपेट, ये है मेरा कारपेट। इस कमरे की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती थी फ़र्श, इसके फ़र्श का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कमरा देखा था, जो फर्स्ट चीज़ मुझे अट्रैक्ट की थी वो इसका कमरे के टाइल्स थे, और बाथरूम के टाइल्स थे, फ्लोर टाइल्स और बाथरूम के टाइल्स, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे बाथरूम के टाइल्स आपको दिखाते हैं, ये देखिए बाथरूम के टाइल्स कितने प्यारे अच्छे लगे हैं,
तो मुझे बाथरूम के टाइल्स और इसके फ्लोर टाइल्स बहुत अच्छे लगे थे ये वाले। तो ये मेरा किचन, ये मेरी यहाँ पे आ गई हैं सारी कैबिनेट्स, इनमें कपड़े दबा तक ठूसे हुए मैंने। वो 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 हाँ, ये कुछ बर्तन मेरे यहाँ रखे हुए हैं, क्रॉकरीज को कहते हैं यहाँ पे, मैंने रखी हुई है अपने डेली चाय का सामान, केचप और रूह अफ़ज़ा। मुश्किल का हल, कभी थका हो जूस पीना हो तो रूह अफ़ज़ा इज़ द बेस्ट। बाकी ये मेरे दालें, मसूर की दाल नज़र आ रही है आपको, मसूर की दाल, और वो पड़ा हुआ है ये बेसन और फ्लेक्स, दलिया इसको भी बोलते हैं वो। बैग्स एंड माय शूज़, और इसके साथ ही है मेरी ये रिंग लाइट। ये मेरी बहुत प्यारी सी विंडो है जहाँ पे मैं, ये मेरी रिंग लाइट है जिसमें अपना मैं मेकअप का या वीडियोज़ जब बनाती हूँ तो इसके यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी प्यारी सी विंडो है, इस विंडो में है यहाँ पे इस्त्री, ये है इस्त्री, और इस्त्री के बिल्कुल साथ ये मेरा पानी। और ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मेरी ईमान, जिसका मैंने भी रमज़ान का आपको दिखाया था, उसने ये मेरे लिए बनाया है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, मेरे भाई की बेटी, तो उसने मुझे ये बना के दिया था ईद पे। इज़न्ट इट ब्यूटिफुल, तो ये उसकी शाहकारी है, वाह। और ये रहा छोटा सा मिरर, ये भी मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था, मेरी ताजिकिस्तान की जो फ्रेंड थी उसने, और ये मुझे मेरे स्टूडेंट की मामी ने मुझे एलोवेरा गिफ्ट किया है, जो मैंने इधर खिड़की के पास रखा हुआ है, उसको मैं हफ्ते में एक दफ़ा पानी देती हूँ, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। और ये मेरी स्टूडेंट प्यारी सी, और ये मैं उसके साथ, ये हमारा एनुअल डे था तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, कितना खूबसूरत इन्होंने वुड कार्विंग की, इट्स ब्यूटिफुल। ये मैं, मेरी दोस्त हैं, ये अगेन मेरी भाई की बेटी ईमान, फॉर आप ही, वो सब मुझे आप ही बुलाते हैं, और उन्होंने ये मेरे लिए कार्ड बनाया, पिक्चर बनाई थी, अभी मैंने इसको यहाँ पे फ्रेम किया। और इसके बैक में ये बर्थडे आती हूँ मैं आपको, ये बर्थडे लास्ट ईयर मेरी बर्थडे जब सेलिब्रेट हुई थी, तो मेरे सारे कोवर्कर्स ने मुझे मैसेजेस लिख के भेजे थे, और ये फ्रेम मतलब इस फोटो में फ्रेम में डाल के दी थी, गिफ्ट किया था मुझे। सो आई लव दिस वन, इट्स सच अ ब्यूटिफुल एंड मेमोरेबल मोमेंट। ये देखें सब कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस, ये ना देखें आप, और बीच में ये तस्वीर मेरी दोस्त ने, ब्यूटीफुल पिक्चर। मैंने पॉटरी बनाई थी खुद अपने दोस्तों के साथ, ये मेरे शाहकार, और ये मेरा नेशनल डे का पोस्टर, मैं आपको तस्वीर ऊपर से तो नहीं दिखाऊंगी, बस इतना सा दिखाऊंगी, ये नेशनल डे पे हमने पोस्टर बनाया था स्कूल की तरफ से, और साथ में ये रहा एक अच्छा सा मेरा पॉट, और ये मेरी बुक्स, ये है, मैंने आपको एक दफ़ा वीडियो में दिखाया था कि बुक्स मैंने अपने विंडो पर यहाँ सजा के रखी हुई हैं, एक दो तीन चार पाँच, इनमें से अभी आस्ता मैंने पढ़ना शुरू किया है, ज़्यादा तो नहीं, पढ़ना तो रोज़ चाहिए, लेकिन मेरे पास कभी टाइम होता है, जब टाइम होता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। और ये मेरे कर्टन्स, और ये विंडो आप देख रहे हैं कितनी प्यारी विंडो, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ, इसके बिल्कुल बाहर नीम का दरख्त लगा हुआ है, ये नीम का प्यारा सा दरख्त। सुबह जब मैं खिड़की खोलती हूँ, यहाँ पे जो चिड़ियाँ और इनके घोंसले हैं परिंदों के, तो जब वो चुम चुम करते हैं, और सुबह का जो बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है सबके, तो सुबह मैं ये खिड़की खोल देती हूँ। मैं वैसे एसी पर्सन नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि खिड़की जितनी फ्रेश एयर अंदर आ सके आए, आई नो गर्मी है दुबई में, गर्मी लगती है, लेकिन आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एसी एज आई कैन। अच्छा, ये मेरा है ड्रेस साइड टेबल, साइड टेबल पे आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कोला बेयर्स नज़र आ रहे हैं मेरे लैंप पे, ये मेरी दोस्त ने, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे, जब आपको याद होगा कि आज से दो साल या तीन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आग लगी थी, और कोला बेयर जो थे वो बिल्कुल ही एक्सटेंट हो रहे थे, तो उस वक्त सेफ एक उनकी आई थिंक कैंपेन चली थी टू सेव कोला बेयर्स, तो तब उन्होंने ये सारे सब में बांटे थे। तो ये देखें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्यूट क्यूट से कोला बेयर्स, ये देखें कितना क्यूट है, चिकी 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 चिकी। और आपको पैसे बेसिकली मेरे घर में हर जगह गिरे हुए नज़र आएंगे, मेरे पास तो पे कम है लेकिन पैसे ज़्यादा हैं। और ये मेरी दवाइयाँ, चूँकि मैं एलर्जी है तो मेरे आँखों की मेडिसिन, मेरे पेंस एंड मार्कर्स, और ये मेरा प्लानर, यह प्लानर जिसमें अपनी प्लानिंग करती हूँ,
कितना खर्च किया, कितना किया, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह करना है। नीचे मेरे बुक्स एंड स्टाफ, और ये मेरा अच्छा प्यारा सा बेड। तो ये है मेरा होल प्यारा सा कमरा जहाँ मैं रहती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा, माशाल्लाह, ये छोटी सी जन्नत है मेरी। अच्छा, वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।